वेलकम स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एन एल्किन ए कंटेन्स थ्री सी सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एट सी एच सिग्मा बॉन्ड एंड वन सी सी पाइप बॉन्ड ए ऑन ऑजिस गिव टू मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड हाइट ऑफ मोलर मास फोर्टी फोर यू राइट आई पी एस सी नेम ऑफ ए ठीक है तो इसमें हम आपको क्या बोला है सबसे फर्स्ट टाइम को अगर हम देखें एन एल्किन ए जो एल्किन ए है उसने कंटेन करा है थ्री सी सी बॉन्ड ओके, एट सी एच सिगमा बॉन्ड एंड वन सी सी पाई बॉन्ड ए का ओजनलिस हुआ है तो उसने दिया है प्रोडक्ट में ए कोई एल्कीन है उसका ओजनलिस हुआ है प्रोडक्ट में है टू मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44 यू अब आपको एल ये नहीं बताया कि क्या बना है आपको उसकी जगह बताया कि मोलर मास उसका फोर्टी फोर यू है और कितने मोल्स बने हैं टू मोल्स ऑफ एल जिसका कि मोलर मास कितना है फोर्टी फोर यू तो फर्स्ट जो हमारा काम है वो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका मोलर मास फोर्टी फोर यू होता है तो एल ग्रुप है तो एल ग्रुप तो हमें पता ही है कहाँ से जैसे सी है इसका मोलर मास फोर्टी फोर यू नहीं है चाहे काउंट कर लो सी का होता है ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन एंड इसका सिक्सटीन ऑक्सीजन का तो ये हो रहा है ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट क्या होता है इथेनल सी एच थ्री सी एच ओ दो कार्बन है तो टू इंटू ट्वेल्व टोटल फोर हाइड्रोजन है फोर इंटू वन ऑक्सीजन है वन सिक्सटीन होता है ऑक्सीजन का ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर फोर वन जैर फोर एंड सिक्सटीन इज इक्वल टू फोर्टी फोर तो इथेनल का जो मोलर मास है वो आ रहा है फोर्टी फोर यू तो इसका मतलब क्या है कि जब ए का ओजोलिसिस हुआ टू मोल्स किसके बने हैं इथेनल के किसके बने हैं इथेनल के ओके इथेनल का फॉर्मूला क्या होता है सी एच थ्री सी एच ओ तो ए का जब ओजोलिस हुआ क्या बना सी एच थ्री सी एच ओ प्लस सी एच ओ सी एच थ्री ये भी इथेनल ये भी इथेनल अब हमें फाइंड आउट करना है ए तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं एक बारी ठीक है सी एच थ्री जिससे आपको समझ में आए जस्ट इसलिए एच ओ प्लस सी डबल वोन एच सी एच थ्री ये इथेनल लिख दिया है एल्कीन कैसे बनाते हैं अब इसमें जिसको ओजोलिसिस रिएक्शन पता है वो ईजिली बना लेगा जिसको नहीं पता है वो जाके पहले चेक कर लो कि ओजनोलिसिस क्या होता है जिससे अच्छे समझ में आ जाए इसका जो प्रीवियस से पहले जो वीडियो है उसमें ओजोलिसिस में समझाया हुआ है तो उसका लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन डिस, में मिल जाएगा आप उसमें चेक कर लेना कि वट इज़ ओजोलिस रिएक्शन देन उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा तो इसमें हमें करना क्या है वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसलिए इसमें जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है इसमें इसके साथ अटैच है इसमें इसके साथ अटैच है तो उन ऑक्सीजन को रिमूव करके इन दोनों कार्बन को हमें क्या करना है आपस में अटैच कराना है जैसे सी एच थ्री सी एच यहाँ पे ऑक्सीजन को आप छोड़ दो इस कार्बन को लिखो यहाँ पे बीच में आएगा यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड ध्यान रखना क्या आएगा डबल बॉन्ड एच सी एच थ्री ओके okay, अभी हम और ओपन कर लेंगे जिससे कि ये वाला लाइन क्लियर हो जाए हमें तो कैसे इस एच थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी इधर एच थ्री अब हम चेक करेंगे ए को ए में बोला था कंटेन किया है थ्री सी सी बॉन्ड चेक कर लेते हैं वन सी सी बॉन्ड टू थ्री तो ये तो सही है नेक्स्ट बोला था एट सी एच सिकमा बॉन्ड सी एच का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये भी करेक्ट है फिर बोला था वन सी सी पाई बॉन्ड ये क्या है सी सी पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा जब दो बॉन्ड होते हैं तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है पाई होता है ठीक है तो ये हमारा एल्कीन है जो बना है अब इसका हमें क्या करना है आई नेम आई नेम क्या होगा इसका बता सकते हो देखो टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है वन टू थ्री फोर तो आई नेम होगा इसका ब्यूट टू इन क्योंकि वन टू सेकेंड कार्बन पे क्या है डबल बाउंड प्रेजेंट है तो ब्यूट टू इन ठीक है तो एल्कीन हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका आई नेम भी लिख लिया सो so क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है